नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं में स्तनों को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं और ऐसे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप जो है अपने स्तनों को जो है सही शेप में ला सकते हैं और सही आकार दे सकते हैं और उनमें जो है वृद्धि कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि स्तनों में वृद्धि नहीं होने के कारण क्या होते हैं। आपके स्तन जो है सही शेप में नहीं है, स्तन आपके बहुत छोटे हैं और उनमें जो है इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। इसके कारणों की बात करूं, सबसे पहला कारण है अनुवांशिक। अगर आपकी माता जो है उनके स्तन भी जो है छोटे हैं या आपकी जो दादी हैं उनके स्तन भी छोटे हैं तो ये जो है अनुवांशिक कारण होता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है जिससे उनमें महिलाओं के गुण आते हैं, जैसे बालों का कम होना या फिर स्तनों में वृद्धि होना। तो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर आपके अंदर अच्छी तरीके से नहीं है या फिर सही मात्रा में नहीं है या उसकी मात्रा बैलेंस में नहीं है जिसकी वजह से ये स्तनों में वृद्धि आपकी रुक जाती है। दूसरा कारण है आपका वजन बहुत कम होना। अगर आपका वजन सही मात्रा में नहीं है, अगर BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी की हाइट के अनुसार अगर आपका वेट नहीं है, उसकी वजह से भी जो आपको स्तनों में जो है वृद्धि आपकी जो है नहीं हो पाती है। अगला कारण है आपके हार्मोन में इम्बेलेंस। अगर आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सही मात्रा में बॉडी के अंदर नहीं है, इसके इम्बेलेंस के कारण बहुत से हो सकते हैं। किसी कारण अगर इम्बेलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको जो है स्तनों में वृद्धि नहीं हो पाती है। अगला कारण है अगर आप पोषण अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, जो पोषण आपको चाहिए उस टाइप का पोषण आपको नहीं मिल रहा है, आप कुपोषण के शिकार हैं। तो कारण अभी आपको पता चल गए हैं, ये बेसिकली कारण होते हैं आपकी स्तनों में वृद्धि नहीं होने के। बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी स्तनों में वृद्धि हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको खानपान आपका अच्छा रखना होगा। खानपान में दोस्तों आप सोया मिल्क जो होता है सोया मिल्क का सेवन करें। सोया मिल्क में ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो आपकी स्तनों की वृद्धि को जो है बढ़ाते हैं, आपके पोषण की कोई कमी है तो उसको जो है ठीक करते हैं। इसके अलावा आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं इसमें जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है महिलाओं में, तो उसको जो है ये बढ़ाता है जिससे आपके स्तनों में भी वृद्धि होती है। तो आप सोया मिल्क जो होता है उसका सेवन करें, उससे जो आपको काफ़ी फायदा होगा। अगला है दोस्तों कि आपको सौंफ जो होती हैं, फिनल सीड्स जिसको बोला जाता है, सौंफ जो है आपके पाचन को अच्छा करती हैं, साथ ही साथ आपके स्तनों में भी जो है वृद्धि करती हैं, क्योंकि सौंफ के अंदर फ्लेवोनोइड बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फ्लेवोनोइड जो है दोस्तों आपके स्तनों में जो है वृद्धि करते हैं, स्तनों के जो टिश्यू होते हैं उनको जो है बढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको सौंफ लेनी है और पानी लेना है। सौंफ का कुल मिला के आपको पानी बनाना है। कैसे बनाएंगे? गरम पानी करिए थोड़ा सा आप गैस के ऊपर, उसके अंदर आप सौंफ डालिए, उसको जो थोड़ा सा उबालिए, पानी जब आधा रह जाए तो उसको छान के उतार दीजिए। ये पानी जो है आपको दिन में दो बार पीना है, सुबह पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, साथ ही साथ इसमें फ्लेवोनोइड जो है वो आपके स्तनों में भी जो है वृद्धि को बढ़ाते हैं। अगला है दोस्तों, आप जो मेथी होती हैं उसका तेल ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेथी का तेल कैसे निकालेंगे या कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप जो सरसों का तेल होता है या फिर तिल का तेल होता है उसके अंदर जो है मेथी को जो है डाल दीजिए और उस तेल को थोड़ा गर्म करिए। गर्म उतना ही करिए कि मेथी जल नहीं जाए, मेथी जलनी नहीं चाहिए आपको, गर्म हल्की आँच पे गर्म करना है। थोड़ा सा गर्म करिए तो क्या होगा कि मेथी के जो गुण हैं उस तेल के अंदर आ जाते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आप कोई तेल है उसके अंदर मेथी के दाने डाल दीजिए और उसको 5-10 दिन उसको जो है पड़ा रहने दीजिए, उससे भी जो है वो मेथी के गुण उसमें आ जाते हैं। अब आपको करना है मेथी के तेल से आप अपने स्तनों पे जो है सर्कुलर शेप में जो है उसमें मसाज कर सकते हैं। सर्कुलर शेप में मसाज करेंगे तो उससे भी जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसके जो टिश्यू हैं वो जो है थोड़े मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसके साथ साथ नई नई कोशिकाएं बनेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से नई कोशिकाएं बनेंगी। इस मसाज करने से दोस्तों आपके स्तनों में जो है वृद्धि होगी। तो ये दोस्तों तीन नुस्खे हैं, आप तीनों को इस्तेमाल कर लीजिए, कोई ना कोई आपके लिए इफेक्टिव ज़रूर होगा। बात करते हैं कुछ सावधानियों की। तो देखिए दोस्तों, इसमें सावधानी आपको यही रखनी है कि आपको खान पान का ध्यान रखना है,
आपके खान पान में जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अंडर वेट हैं तो आप सबसे पहले अपना वेट इंक्रीज करिए, आप अपनी बॉडी के अनुसार उस वेट को जो एडजस्ट करिए। इसके साथ थोड़ा अच्छा खाइए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, इसके साथ साथ पाचन भी आपका ठीक रखिए। पाचन अगर आपका ठीक नहीं होगा तो उससे भी जो है आपका जो भी आप खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर में जो है लगेगा नहीं। तो ये सब चीज़ों का कुछ ध्यान रखिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।